दर्शकों, आज हमारे बीच में है चेतन प्रकाश तायल जी। ये चेतन प्रकाश तायल जी की बात करें, समाज सेवी होने के साथ साथ अहम एनजीओ के अंदर, अहम संस्थाओं के अंदर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्त हनुमान भक्त, जो सेवा समिति है मरघट वाले मंदिर, उसके अंदर उप प्रधान के पद पर आसीन है। वहीं बात करें समस्त हनुमान भक्त गौ सेवा धाम ट्रस्ट, जो अलीपुर के अंदर है, उसके अंदर भी ये महासचिव पद पर आसीन है। इनसे बात करते हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आप सबका। चेतन जी, क्या कहेंगे इस सेवा जो आप करते हैं लोगों की, जरूरतमंदों की, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम ये है कि जो भी हम परोपकार के उद्देश्य से ही हम हर वर्ष करते हैं जी। हमारा साप्ताहिक भंडारा जमुना बाजार दिल्ली पर हर मंगलवार को होता है जी। हर महीने में दो बस जाती हैं हमारे यहाँ से जी, जो कि फ्री ले जाती हैं। बालाजी हमारी धर्मशाला है जी। हनुमान मंदिर पर हम धर्मशाला करते हैं और साल में एक हनुमान जयंती मनाते हैं जी। और हनुमान मंदिर पर ही हम गरीब कन्याओं की 11 की शादी करते हैं रामनवमी के दिन, जिनका कोई भी शुल्क हम समाज के लोगों से नहीं लेते जी। ये हम आपसी भाईचारे में इकट्ठा पैदा करके जब उन गरीब बच्चों की शादी किया करते हैं। चेतन जी, बात करें देखते ही देखते मरघट वाले मंदिर का प्रचार प्रसार इतना हो गया कि आज दूर दूर से लोग इस मंदिर के अंदर आते हैं। देखो, लोगों की भावना तो इस मंदिर पर जो भी आएगा जी, इसमें एक तरफ तो हनुमान जी खुद साथ साथ बैठे हुए, दूसरी तरफ संतान बैठा हुआ है जी। जहाँ संतान घाट है वहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। ये हम लोगों का सौभाग्य है और जो भी आदमी ने यहाँ 40 दिन रेगुलर आया उसकी मनोकामना इस बाबा ने जरूर सिद्ध करी है, पूर्ण करी है। कोई भी ऐसा भक्त हमें नजर आज तक नहीं आया जो खाली हाथ बाबा ने भेजा हो? नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है। मेरी नॉलेज में भी आज तक नहीं आया। मैं भी 30-35 साल से बाबा से जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन मैंने भी कभी नहीं देखा। आगे आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो मंदिर का विस्तार और आगे कैसे करने का आप लोगों ने तैयारी की है? अभी हमने जो तैयारी करी है, आगे ग्रिल लगवाई है स्टील की और आगे हम कारपेट पब्लिक के लिए बिछाना चाहते हैं जी। जो कि हमारे मेहनती जी अगर हमें आदेश देंगे तो पूरा कारपेट और ऊपर 3 साइडों जो भक्त लाइन में लगती हैं, 6-6 घंटे की लाइन हुआ करती है वहाँ, तो उन लोगों को दर्शन में एक बदतमीजी ना हो और जेब ना कटे। वहीं चेतन जी, बात करें इस समय कोरोना काल चल रहा है तो क्या ऑनलाइन बाबा के दर्शन की आरती का कोई प्रावधान आप लोगों ने कराया है? ऐसा अभी कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम बाबा की फोटो दिखाई नहीं सकते जी, क्योंकि वहाँ पर हर सामान में अपना भगवान की दुआते ने जाने कहते धरती अपना पानी देती है और बाबा जी के गर्दन तक आती है जी, जी, वो पानी बाबा के गर्दन तक आता है और अपना आप ही निकल जाता है। ऑनलाइन दर्शन बाबा के क्यों नहीं कराना चाहते आप भक्तों को? ऐसा है ना जी, ऑनलाइन दर्शन अभी ऐसा ना तो हमारे ट्रस्ट ने कोई पास करा है जी और ना हम अभी सोच रहे हैं। लेकिन अब तो समय की मांग है, क्योंकि जो भक्त नहीं आ पा रहा है, जो बुजुर्ग हो चुका है वो नहीं आ पा रहा है, नई पीढ़ी की बात करें तो वो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। देखो जी, इसमें हमारे माननीय सांसद जी थे श्री विजय गोयल जी जी, उनका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहा है जी। उन्होंने जो भी मंदिर को स्ट्रेंथन उधर से ही आती है हम लोगों को, विजय गोयल जी जो कहेंगे जी उसी अनुसार हम कम से कम 500 परिवार की टीम है जी, जो कि हनुमान भक्त सेवा समिति से बैठे तो 5,000 परिवार है, बिल्कुल है, लेकिन हम 500 मेन परिवार है जी, जो बाबा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज देखने में आ रहा है ऑनलाइन दर्शन की बात करें या ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग का भी, वो भी प्रावधान अब शुरू हो गया है, चाहे शिरडी साई मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, वैष्णो देवी मंदिर है। प्रसाद तो हमारे मैन जी ने बाकायदे पुड़िया में देना चालू कर दिया है जी। लेकिन हाँ, दर्शन के बारे में भी विचार चल रहा है। धीरे धीरे मंदिर के अब कपाट भी खुल चुके हैं तो भक्तों ने आना शुरू कर दिया है। हाँ, भक्तों ने आना चालू कर दिया। पब्लिक लिमिटेड, बाकायदे सैनिटाइजेशन जी, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, वो वाले डायलॉग पर हम लोग सभी चल रहे हैं। अब आप लोगों ने ये जो गौ सेवा के लिए अगला कदम बढ़ाया है, ट्रस्ट जो खोली है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा ये अभी हमने ट्रस्ट खोला है समस्त हनुमान भक्त गौ सेवा धाम ट्रस्ट, अलीपुर रोड लवन्या से 5 किलोमीटर चलने के बाद राइट हैंड को कट आएगा जी। अगर कोई आदमी दिल्ली से जा रहा हो तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारी गौशाला है, जाट खुर्द गाँव है, जाट खुर्द जी, और उसमें हमने ट्रस्टी भाइयों की अभी जो ट्रस्टी सिर्फ रखी है जी, वो 1,25,000 रुपये लगी है
एक महीने बाद ये टट्टी सिर्फ 2.5 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें आज हमारे पास 550 मेंबर तैयार हैं। 550 मेंबर तैयार हैं, हाँ, जिनके पैसे आ चुके हैं हम पर। चेतन जी, लगभग गौशाला की बात करें तो लगभग कितनी गाय का आप लोगों ने? हमने कोई गौशाला का प्रोग्राम हमारा वो नहीं है कि दूध बेचना जी, हमारा ये है कि जो आवारा गौएं रोड पर पड़ी हैं, जो बीमारू हालात में हैं, उनको ले जाकर अपने उसमें रखें और उनका इलाज करें, उन्हें प्रॉपर खाना दें, ना कि वो कसाई वाड़े में जाके कटे। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अंदर ही हमने उनके लिए समाधि स्थल बना रखा है, गौओं के लिए, वहीं वो गौ समाधि लेंगी। क्योंकि देखने में आ रहा है चेतन जी, आज गौशालाओं की बात करें तो लोगों ने दुकानें भी इस तरीके से खोल रखी। हाँ, लोगों की दुकानें, लेकिन हमारा दुकान दुकान नहीं है, हमारा मानव धर्म ही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा उद्देश्य ना गौशाला का गोबर बेचने का है जी, ना गौशाला का वो है। लगभग कितने आप ट्रस्ट के अंदर मेंबर बनाना चाहते हैं? करीब 650 मेंबर बनाएंगे, 100 मेंबरों की जगह अभी खाली है जी, और अभी एक मुख्य जो प्रेरणा स्रोत है वो भी हमने रखा है, अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे, 31 लाख रुपए रखा है जी, जिसमें 2-3 प्रस्ताव हम पर आ चुके हैं। 31 लाख में क्या क्या है? वो आजीवन हमारे पोस्टर पे भी रहेगा जी, और आजीवन वो रहेगा मुख्य संरक्षक, वो संरक्षक रहेंगे, मुख्य संरक्षक। लोगों से क्या अपील करेंगे भाई? जो भी आदमी ट्रस्टी बनना चाहे, जो भी गौशाला में अपना सहयोग देना चाहे, तन मन धन से गौशाला को आगे बढ़ा। वही दिवाली भी आ रही है, त्योहार भी सर पर है, क्या शुभकामना देंगे? मैं दीपावली की सभी लोगों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और हनुमान भक्त सेवा टीम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती है दीपावली का, और कहती है कि एक नया सवेरा आपकी जिंदगी में आए। तो ये थे हमारे बीच में चेतन प्रकाश तायल जी, जिन्होंने कहा कि हनुमान भक्त सेवा समिति की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं गौ सेवा की बात करें तो इन्होंने कदम बढ़ा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़े। कहते हैं ना कि संकट कटे मिटे सपीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।